तो गाइज़ आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं जादुई माचिस, जिसे आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा, जिसे हम किसी भी दीवार पर या किसी भी लकड़ी पर अगरते थे तो वह जल जाता था, यहाँ तक कि अपने हाथों से भी जलाया जा सकता था। तो वही माचिस हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जा कर के आप देख सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में जो नीचे लाइक का बटन है उसे दबा दीजिए। तो जादुई माचिस बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे एक नॉर्मल माचिस, साथ में चाहिए होंगे हमें एक रिंग कैप्स, जो कि आपको पटाखों की दुकान पर मिल जाए, आसानी से मिल जाएगा मात्र 10 रुपये में, कुछ इस तरह का रहता है। तो गाइज हमें इस रिंग कैप्स का सारा मसाला सावधानी से निकाल लेना है, तो चलिए इस रिंग कैप्स का सारा मसाला निकालते हैं। मैंने एक प्लायर ले लिया, इसकी मदद से इस रिंग कैप्स का सारा मसाला अच्छे से निकाल लेना है। तो गाइज हमने सारे रिंग कैप का मसाला निकाल लिया, अब इसमें थोड़ा सा हमें पानी डालना है, इसमें बस 2-4 बूंद इसमें पानी डालना है ताकि ये अच्छे से गीला सिर्फ हो जाए, बस इतना काफ़ी है। अब इसे अच्छे तरह से मिलाना है, अब इसे कुछ अच्छे तरह से इसमें मिला लेना है। तो गाइस यह जादुई माचिस बनने के लिए लगभग तैयार हो चुका है, अब हमें माचिस लेना है। इसकी जो तीलियां हैं उसे कुछ अच्छे तरह से इस तरह से इसमें डुबोकर अच्छे से इसे लगा देना है यह मसाला। इस माचिस में कुछ अच्छे तरह से इसका मसाला लगा करके इसे किसी थर्माकोल में इस तरह से लगा करके सूखने के लिए छोड़ देना है, इसे अच्छे तरह से रगड़ रगड़ करके लगाना है। इस तरह से आप चाहे जितनी चाहे उतनी बना सकते हैं। इस तरह से तो गाइस जादुई माचिस लगभग तैयार हो चुका है, अब इसे धूप में सुखाने के लिए रख देना है। 10 से 15 मिनट के बाद यह पूरी तरह से हमारा जादुई माचिस तैयार हो जाएगा, तो चलिए इसे अब धूप में सूखने के लिए रख देते हैं। तो फाइनली गाइस हमारा जो यह जादुई माचिस है पूरी तरह से सूख चुका है, अब यह टेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार है, तो चलिए इसका एक टेस्ट लेते हैं।
तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।